कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक्सपर्ट्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पर जोर दे रहे हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग आसानी से वायरस का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं आप ऐसे कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है। खट्टे फल। ज्यादातर रोगों में डॉक्टर मरीज को सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं। विटामिन सी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और कोल्ड कफ से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाता है। सिट्रस फ्रूट्स में अंगूर, संतरे, कीनू, नींबू आते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको इन फलों का नियमित सेवन करना चाहिए। बेरीज। अंगूर, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कोकोआ और डार्क चॉकलेट जैसी चीजें आपको नियमित रूप से खानी चाहिए। ये चीजें तमाम तरह के वायरस से शरीर की सुरक्षा करते हैं। सेब। सेब में विटामिन सी और पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। सेब खाने से एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी होती है, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। केला। केला एनर्जी बूस्टर होता है, इसे खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। केला खाने से अल्सर, एनीमिया, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन आदि ठीक रहता है। नाशपाती। नाशपाती फाइबर और पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें सोडियम, फॉस्फोरस, कॉपर, विटामिन ए, सी भी होता है, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। पपीता। पपीता भी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। पपीते में पपेन पाया जाता है जो एक पाचक एंजाइम होता है। पपीते में पोटेशियम, विटामिन बी और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है जो आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप नियमित रूप से इन फलों का सेवन करिए। आप हमें अपने सुझाव या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।